हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गाइड लाइट। सो ये है मर्सिडीज बेंज सी क्लास विच इज़ टॉप सेलिंग इन द सेगमेंट। एंड गाइज ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी आपको सेडान मिल जाती है। यहाँ पे फ्रंट में मसाजिंग सीट्स अवेलेबल है, बहुत ही सुपर कूल यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, रिमार्केबल इंटीरियर्स दिए गए हैं। सो हम शेयर करने वाले हैं इसका क्विक एंड डिटेल वॉक अराउंड, जिसमें हम हर एक फीचर हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड क्लिकिंग द बेल आइकन। सो गाइज दिस इज द फ्रंट फेशिया एंड फ्रंट फेशिया सुपर स्ट्राइकिंग। यहाँ पे आपको मर्सिडीज बेंज का लोगो मिल जाता है, बिग साइज की ग्रिल दी गई है, वी हैव गॉट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे भी आपको मर्सिडीज बेंज का लोगो मिलेगा। देन यू कैन सी दीज आर हाई परफॉर्मेंस फुल LED हेडलैम्प विद LED डेटम रनिंग लाइट्स। एंड बेसिकली गाइज यहाँ पे जो ये फोर एलिमेंट्स दिए गए हैं, अपर एलिमेंट्स दे आर फॉर लो बीम, एंड ये जो लोअर एलिमेंट्स मिलते हैं दे आर फॉर हाई बीम। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंड काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हेडलैम्प है, एक्सलेंट इल्यूमिनेशन ये ऑफर करते हैं ऑन रोड। एंड फर्दर यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही स्पोर्टी बम्पर अवेलेबल है। सो ओवरऑल यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक थीम यूज़ करा गया है, ग्लॉसी ब्लैक आपको विंग मिरर्स मिलते हैं, ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे आपको वेस्ट लाइन मोल्डिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर की यहाँ पे रूफ भी दी गई है। एंड फर्दर मोर गाइज दीज आर द अलॉय व्हील्स एंड दे लुक स्पेक्टेकुलर। एंड गाइज यहाँ पे आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 225/50 सेक्शन टायर, एंड दिस टायर ऑफर एक्सीलेंट ग्रिप ऑन रोड। फर्दर मोर यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लाइडिंग पैनोरामिक सनरूफ दी गई है, एंड यहाँ पे आपको फंक्शनल रूफ रेल्स मिल जाती हैं। एंड देन यहाँ पे जो ये ब्लैक फिनिश दी गई है, इट इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली स्पोर्टी। रियर में यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलेगा। एंड गाइज दिस इज़ द रियर लुक। यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी LEDs यूज़ करी गई हैं, एंड दीज टेल लैम्प्स आर लुकिंग अमेजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम स्लैट यूज़ करा गया है। देन आप यहाँ पे देखेंगे गाइज तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर भी मिल जाता है रियर में, डिफॉगर अवेलेबल है। एंड यहाँ पे ट्विन एग्जॉस्ट टेल पाइप्स, रियर में सेंसर्स एंड कैमराज आपको मिल जाएंगे, एंड टेल गेट लीड आपको फुली कवर्ड मिलती है। दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया। यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे एक लैम दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस दिया गया है। देन वी हैव गॉट अ हुक ओवर हियर, एंड जो स्पेयर टायर आपको मिलता है वो यहीं पे मिलेगा। एंड दिस इज़ द ग्रॉसरी बास्केट। सो आपको GLC में भी ऐसी कुछ ग्रॉसरी बास्केट मिलती है, यहाँ पे भी फेसलिफ्ट मॉडल में दी गई है। एंड फर्दर अगर हमें यहाँ पे सीट्स को फोल्ड डाउन करना हो टू इंक्रीज द कार्गो एरिया, तो यहाँ पे जो लिवर दिया गया है इसको अगर हम यहाँ पे पुल करेंगे तो फोली सीट्स ऐसे अनलॉक हो जाती हैं, एंड यहाँ पे हम सीट्स को फोल्ड डाउन कर सकते हैं। बेसिकली आपको 40:20:40 रेशो मिलता है, तो यहाँ पे हम सीट्स को फोल्ड डाउन कर सकते हैं। सो गाइज अब बात करते हैं अदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में, एंड अदर इंजन ऑप्शन डिटेल्स के बारे में। सो सी क्लास की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मर्सिडीज बेंज के चाकन प्लांट में, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। फर्स्ट टाइम इंडिया में सी क्लास 2001 में लॉन्च करी गई थी, विच वॉज अ सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन लॉन्च हुई 2008 में, फोर्थ जनरेशन लॉन्च हुई 2014 में, एंड अभी आप देख रहे हैं फोर्थ जनरेशन का फेसलिफ्ट जो कि लॉन्च करा गया है 2018 में। और यहाँ पे आप सी क्लास एंड राइवल कार्स का देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो डायमेंशन कंपैरिजन एंड ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm की, टर्निंग रेडियस 5.61 meters, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 66 liter, बूट स्पेस मैसिव 480 liters, एंड ग्रॉस व्हीकल वेट है 2125 kg से लेके 2165 kg। सो यहाँ पे अवेलेबल हैं 6 कलर ऑप्शन विच आर वाइट कलर, देन वी हैव गॉट सिल्वर कलर, सिल्वर एग्जैक्ट सिल्वर की तरह नहीं है, वो आपको थोड़ा बेज कलर में मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी यूनिक कलर है दोस्तों। देन वी हैव गॉट अ ब्लैक कलर, ग्रे, ब्लू एंड रेड कलर, एंड दीज आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स, 7 ईयर बैग्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, टेंशन असिस्ट, अडैप्टिव ब्रेकिंग जो कि ब्रेकिंग एफिशिएंट कर देता है, एक्टिव पार्क असिस्ट, ऑटोमेटिक वाइपर्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन विद एक्टिव बोनट जो कि बोनट हल्का सा लिफ्ट कर देता है इन केस ऑफ सम कोलिजन, देन एक्टिव पार्क असिस्ट विद पार्क ट्रॉनिक जो कि ऑटोमेटिकली पार्किंग स्लॉट फाइंड करेगा, कार ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएगी, एंड वी हैव गॉट अ रियर कैमरा एज वेल। एंड गाइज अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में एंड कंपैरिजन के बारे में। सो लेट्स अनलॉक द हुड। सो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स अवेलेबल हैं, एंड दिस इज़ द मर्सिडीज बेंज इंजन C200 विच मीन्स इट्स अ पेट्रोल मोटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही एक्सलेंट साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है, एंड हमें यहाँ पे भी
फायरवॉल पे भी क्लैडिंग मिल जाती है, सो कैबिन इज रियली वेरी वेरी साइलेंट। सो पहला इंजन है 2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको रियर व्हील ड्राइव मिलेगा। और दोस्तों ये जनरेट करता है 201 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क। 9-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। इसकी ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 14.74 km/l। 0-100 है 7.7 सेकेंड में और टॉप स्पीड है 239 km/h की। और सेकेंड इंजन है 2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि अगेन आपको रियर व्हील ड्राइव मिलेगा। और ये जनरेट करता है 192 bhp ऑफ पावर एंड 400 Nm ऑफ टॉर्क। 9-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है, जिसकी माइलेज है 19.27 km/l। 0-100 है 6.9 सेकेंड में एंड टॉप स्पीड है 240 km/h की। सो लेट्स टॉक अबाउट स्पेस एंड कम्फर्ट, हाउ गुड स्पेस सी क्लास ऑफर्स। सो ये है फ्रंट सीट्स एंड यहाँ पे हमें कंप्लीट एडजस्टमेंट मिलती है। इवन अगर यहाँ पे जो पर्सन बैठे हैं उनकी हाइट ज़्यादा है, ही और शी कैन ऑल्सो इंक्रीज द अंडर थाई सपोर्ट विच इज़ कुशन एक्सटेंशन। सो यहाँ पे कुशन एक्सटेंशन भी एडजस्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकली हम यहाँ पे हेडरेस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं इस वेरियंट में। एंड फर्दर मोर गाइज, यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स आपको मिलती है दैट हैज़ मसाजिंग फंक्शन एज वेल। सो ओवरऑल यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स हैं दे आर क्वाइट कम्फर्टेबल। यहाँ पे बिग साइज के साइड बॉक्सेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव ये सीट्स कम्फर्ट ऑफर करती हैं, अंडर थाई सपोर्ट भी, लोअर बैक सपोर्ट एंड अपर बैक सपोर्ट। इट इज़ ट्रूली वेरी अप्रिशिएबल। फ्रंट सीट्स आपको 10/10 मिलती हैं। अब बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में। उससे पहले गाइज, जब आप यहाँ पे कार को ड्राइव कर रहे होंगे, दिस इज़ द व्यू दैट यू गेट। सो बोनेट इज समवट विजिबल एंड कार को ड्राइव करना इज सुपर ईजी। सो यू डोंट फील लाइक कि आप इतनी बिग साइज की कार ड्राइव करें। एंड देन दीज आर द रियर सीट्स। सो यहाँ पे आपको जो एपिचर है, ओपनिंग एपिचर, वो काफ़ी वाइड मिलता है। देन यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। यू कैन सी एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम इज अवेलेबल एंड यहाँ पे आपको रियर में 3 adjustable हेडरेस्ट मिल जाती है। सो सी क्लास में ओवरऑल यहाँ पे जो ग्लास यूज़ करा गया दैट इज़ क्वाइट लार्ज। आप यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ देख सकते हैं, वो भी काफ़ी बिग साइज की दी गई है। देन दीज विंडोज आर ऑल्सो ऑफ बिग साइज। सो यहाँ पे जो कैबिन है दैट फील्स वेरी लाइवली। एंड फर्दर मोर दीज आर द रियर सीट्स। आप देख सकते हैं क्वाइट कंफर्टेबल रियर सीट्स दी गई है। एंड यहाँ पे आप हेडरूम देख सकते हैं, मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट में यहाँ पे हेडरूम अवेलेबल है। सो फ्रंट एंड रियर सीट्स दोनों ही काफ़ी बढ़िया कंफर्ट ऑफर करती हैं। फ्रंट सीट्स जो हैं दे आर बेस्ट। एंड ओवरऑल जो कैबिन में ये एम्बिएंट लाइट दी गई है, फुटवेल पे आपको एम्बिएंट लाइट्स मिल जाती हैं, डोर्स पे एम्बिएंट लाइट दी गई है एंड ये 64 कलर यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। एंड जितनी भी यहाँ पे एम्बिएंट लाइट दी गई है, इट गिव्स अ सुपर मॉडर्न एंड अर्बन फील टू द कैबिन। सो यहाँ पे जो हमें ये मिरर मिलता है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड इट विल गिव यू अ वाइडर व्यू, काइंड ऑफ ब्लाइंड स्पॉट की तरह ये वर्क करता है। एंड देन वी हैव गॉट पडल लैम्प। सो दीज आर द कीज, बहुत ही प्रीमियम कीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यू कैन कीप इट हेयर एंड वी हैव गॉट इंजन पुश स्टार्ट बटन। सो दिस इज द कैबिन ऑफ न्यू मर्सिडीज बेंज सी क्लास फेसलिफ्ट। डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं, एक्सीलेंट फिटिंग फिनिश क्वालिटी दी गई है एंड यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम एम्बिएंट लाइट्स भी अवेलेबल हैं। सो एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, डोर पैनल्स पे दी गई है फ्रंट एंड रियर। एंड फ्रंट में यहाँ पे आपको फुटवेल पे भी मिलती है। देयर इज अ क्लच फुटरेस्ट एंड दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स ओवर हेयर। सो वी हैव गॉट हेडलैम्प कंट्रोल्स, यहाँ से हम कैबिन के इल्यूमिनेशन को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एंड देन दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ये है फ्रंट डोर। सो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर लैम्प मिलता है विच इज़ अ सेफ्टी लैम्प। इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको पडल लैम्प मिलेगा जो कि ऑल 4 doors में अवेलेबल है। यहाँ पे मल्टीपल बॉटल होल्डर्स एंड डोर पॉकेट आपको मिल जाती है बिग साइज की। देन इधर से हम ओपन कर सकते हैं बूट को। दीज आर पावर विंडो कंट्रोल्स एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी दी गई है, जो यहाँ पे एल्यूमिनियम स्विचेस यूज़ करेंगे दे आर ऑफ वेरी हाई प्रीमियम क्वालिटी। यहाँ पे स्पीकर्स अवेलेबल हैं एंड वुडन ग्रीन्स का यहाँ पे यूज़ करा गया। यू कैन सी द एम्बिएंट लाइट एज वेल। फ्रंट सीट्स में यहाँ पे 3 memory सेटिंग आपको मिलती है, साथ में कुशन को भी यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं और इवन जो हेडरेस्ट है उसको भी यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। सो दीज आर द फ्रंट सीट्स। फ्रंट सीट्स आर एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल। ऑल्सो वी गेट मर्सिडीज बेंज सिल प्लेट ओवर हेयर विच इज़ एल्यूमिनेटेड। डोर को भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आपको लॉक एंड लॉक स्विच मिल जाता है। देन दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील। सो इट्स अ लेदर रैप यूनिट
एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है, सो वी हैव गॉट कंप्लीट एडजस्टमेंट फॉर रेक एज वेल एज फॉर रीच. सो दीज थ्री कंट्रोल्स आर फॉर इन्फोटेनमेंट यूनिट, दीज थ्री कंट्रोल्स एंड दीज थ्री कंट्रोल्स आर फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं. वी हैव ऑल्सो गॉट पेडल शिफ्टर्स, दिस इज द गियर सेलेक्टर एंड दीज आर वाइपर कंट्रोल्स. एंड इट्स अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इट इज़ लुकिंग फैबुलस. सो बेसिकली यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. वी हैव गॉट ट्रिप इंफॉर्मेशन ओवर हियर, नेविगेशन इंफॉर्मेशन, देन रेडियो एंड मीडिया इंफॉर्मेशन, टेलीफोन इंफॉर्मेशन. वी कैन चेंज द डिज़ाइन एज वेल. सो यहाँ पे आप स्पोर्ट मोड चूज़ कर सकते हैं, क्लासिक मोड एंड प्रोग्रेसिव मोड. इस हिसाब से यहाँ पे ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी एडजस्ट हो जाता है. सो यहाँ पे कंप्लीट ये डेटा शो करता है, ट्रिप इंफॉर्मेशन, साथ में अटेंशन असिस्ट, सर्विस रिमाइंडर एंड सो ऑन. एंड फर्दर मोर गाइज, दिस इज फ्रंट आर्मरेस्ट. बिग साइज के यहाँ पे आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाती है. यहाँ पे एक कार्ड होल्डर दिया गया, ट्विन आपको पोर्ट्स मिलते हैं विच आर इल्यूमिनेटेड. एंड इवन जो आर्मरेस्ट है वहाँ पे भी इल्यूमिनेशन दी गई है, यू कैन सी द इल्यूमिनेशन. एंड आर्मरेस्ट में काफ़ी बढ़िया स्टोरेज स्पेस ऑफर करा गया है, वी कैन पुट लॉट ऑफ स्टफ ओवर हेयर. एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे एंड यहाँ पे ये जो दिया गया, इट विल कीप योर ड्रिंक इंटैक्ट, साथ में दिस इज इल्यूमिनेटेड एंड दिस इज ऐश ट्रे. और गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वायरलेस चार्जर अवेलेबल है, साथ में आपको एक USB पोर्ट भी मिलता है. सो वी कैन प्लेस द स्मार्टफोन ओवर हेयर लाइक दिस एंड आप देख सकते हैं चार्जिंग ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाती है. देन गाइज यहाँ पे ये जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, दीज आर फॉर द इन्फोटेनमेंट यूनिट. सो इन्फोटेनमेंट को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है सन ब्लाइंड, तो रियर सन ब्लाइंड को हम यहाँ से रिट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ से इन्फोटेनमेंट सिस्टम को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं. ऑल दीज कंट्रोल्स हैव सच अ गुड फील गुड फैक्टर अबाउट देम, दीज आर डायनामिक कंट्रोल्स. सो यहाँ पे आपको 5 मोड्स मिल जाते हैं, इको मोड, कंफर्ट मोड, स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट प्लस मोड एंड इंडिविजुअल मोड. इंडिविजुअल मोड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फिगर कर सकते हैं, ड्राइव को कॉन्फिगर कर सकते हैं, देन यहाँ पे हम स्टीयरिंग व्हील को कॉन्फिगर कर सकते हैं एंड ESP को भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. एंड फर्दर मोर यहाँ से हम पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. देन यहाँ पे हमें पार्किंग कैमरा मिल जाता है, सो वी हैव गॉट रियर व्यू कैमरा, वाइड डिस्प्ले एंड नैरो डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगा एंड सेंसर्स का डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे मिल जाता है एग्जैक्ट. एंड यहाँ पे पार्क असिस्ट भी अवेलेबल है जो कि ऑटोमेटिकली पार्किंग स्लॉट फाइंड करता है. एंड यहाँ पे आप देखें तो डिजिटल क्लॉक दी गई है, दीज आर द कंट्रोल्स फॉर द इन्फोटेनमेंट यूनिट एंड दीज आर द कंट्रोल्स फॉर AC. सो बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल है 2-zone फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम एंड दिस इज द इन्फोटेनमेंट यूनिट. काफ़ी बिग साइज का आपको इन्फोटेनमेंट यूनिट मिलेगा, टच नहीं दिया गया, बट वी हैव गॉट कंट्रोल्स ओवर हियर टू कंट्रोल इट एंड यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं. देन दिस सिस्टम सपोर्ट्स एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, यहाँ पे आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है. एंड यहाँ पे आपको व्हीकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सीट सेटिंग, ड्राइवर साइड सीट, मसाज सीट्स को भी आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, वेव मसाज एंड पल्सुएटिंग मसाज, दोनों ही फ्रंट सीट्स में यहाँ पे मसाज अवेलेबल है, लंबर सपोर्ट. सो यहाँ पे हम कंप्लीट लंबर सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं इन एन नंबर ऑफ सेटिंग्स. सो देर आर लॉट ऑफ सेटिंग्स जो कि हम यहाँ पे सीट से रिलेटेड ही कर सकते हैं. इवन साइड बॉल्स को भी यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे पैसेंजर साइड को सिलेक्ट करेंगे एंड देन साइड बॉल्स अगर यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं, यू कैन सी सो इट गेट्स एडजस्टेड बाय अ बिग मार्जिन. एंड डायनामिक सिलेक्ट जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. फर्दर मोर असिस्टेंस, सो ESP को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, पार्किंग कैमरा की सेटिंग कर सकते हैं, कंजम्पशन डिस्प्ले, यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन डिस्प्ले होगी, देन लाइट सेटिंग, एम्बिएंट लाइट. एंड वी हैव गॉट 64 कलर एम्बिएंट लाइट ओवर हियर, सो आपको 64 कलर ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं.
एंड इवन अगर आप चाहें रियर की ब्राइटनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. ब्राइटनेस जोन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सी यहाँ पे ब्राइटनेस हमने इंक्रीज कर दी है. एंड एक्सटीरियर लाइट शट ऑफ यानी कि फॉलो मी मैं लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितने सेकंड्स का आपको चाहिए. सेम गोज विद द इंटीरियर्स एंड व्हीकल सेटिंग्स. एंड यहाँ पे आपको विंटर टायर लिमिट मिल जाती है. सीट बेल्ट एडजस्टमेंट को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. एकूस्टिक लॉक को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं एंड सो ऑन. एंड गाइज आप प्ले करते हैं एक सॉन्ग को. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. सो गाइज यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी आपको मिलती है दैट इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव ओवरऑल. एंड यहाँ पे लॉकेबल ग्लव बॉक्स अवेलेबल है. इट हैज गुड अमाउंट ऑफ स्पेस. साथ में यहाँ पे एल्यूमिनेशन भी अवेलेबल है. एंड फर्दर मोर यहाँ पे वैनिटी मिरर विद एल्यूमिनेशन. यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है विद एल्यूमिनेशन. एंड दीज आर सम कंट्रोल्स. सो यहाँ पे आपको बेसिकली सनग्लास होल्डर मिल जाएगा. देन आप इसको एंड इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रीडिंग लैम्प्स है वो टर्न ऑन हो जाते हैं अंडर IRVM. एंड इधर सब रीडिंग लैम्प जो है रियर के वो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. यहाँ से हम ये सेंट्रल लैम्प ऑन कर सकते हैं एंड इट इज़ सुपर ब्राइट. एंड देन यहाँ पे आपको एक SOS स्विच मिल जाता है फॉर एमरजेंसी. एंड वी हैव गॉट मर्सिडीज मी कॉल एज वेल. सो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है. एंड यू कैन लुक एट द डैशबोर्ड. इट इज लुकिंग स्टनिंग. एंड दिस इज द रियर डोर. यहाँ पे मैनुअल सनशेड अवेलेबल है. एंड वी हैव गॉट स्पीकर्स, पावर विंडो कंट्रोल्स, कंप्लीट. यहाँ पे आपको लेदर स्टिचिंग मिलती है. हाई क्वालिटी लेदर मटेरियल यूज करा गया है. मल्टीपल बॉटल होल्डर्स. और यहाँ पे आपको एक नॉर्मल रिफ्लेक्टर मिल जाता है. देन दीज आर द रियर सीट्स. सो वी हैव गॉट 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट. सेंटर में एक आर्म रेस्ट अवेलेबल है. बिटवीन कप होल्डर स्पेस एंड सम मोर स्टोरेज एरिया. यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं. एंड देन ट्विन USB चार्जर्स विद 12 वोल्ट सॉकेट. रियर फुटवेल पे भी यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन मिल जाएगी. फ्रंट सीट्स के बैक पे मैगजीन पॉकेट्स दी गई हैं. एंड यू कैन लुक एट द कैबिन. एम्बिएंट लाइट्स. यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प मिलता है विद कोट हुक एंड ग्रैब हैंडल. सेम गोज विद हेयर. यहाँ से हम हेडरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज द डैशबोर्ड. इट इज लुकिंग स्टनिंग. सो इट्स अ कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी पैकेज कार. क्या थॉट्स हैं आपके इस कार के बारे में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में.